मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 137वें जयंती के मौके पर 11 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक शिक्षा स्वास्थ्य एवं सद्भावना अभियान चलेगा। भारत रत्न एवं देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 137वीं जयंती के मौके पर अंजुमन इस्लामिया रांची के द्वारा 11 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक शिक्षा स्वास्थ्य एवं सद्भावना अभियान की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में रविवार को पिठौरिया क्षेत्र के पीरूटोला गांव में स्टूडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी पीरूटोला और रांची अंजुमन इस्लामिया के संयुक्त तत्वाधान में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लाइब्रेरी एंड स्टडी सेंटर का शुभारंभ किया गया। वहीं मौके पर क्षेत्र के 2020 मैट्रिक एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को तथा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स क्रैक करने वाले छात्रों को भी शील्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर अतिथियों के हाथों सम्मानित किया गया। तो पीरूटोला में जो है यहाँ के नौजवानों ने एक लाइब्रेरी यहाँ पे खोला है और यहाँ एक स्टडी सेंटर भी होगा। तो हम लोग अंजुमन इस्लामिया के तरफ से मौलाना आज़ाद का जो योम पैदाइश है, इस मौके पे हम लोगों ने एक ऑनलाइन क्लास शुरू किया है। इसके अलावा जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, जिनके पास सुविधा नहीं है, उनका फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके उनको जो है एजुकेशन देने की कोशिश की जा रही है। बहुत दिन हो गया, पढ़ने लिखने का छूट जा रहा है, तो ये हम लोग यहाँ भी शुरू करना चाह रहे हैं पीरूटोला में भी। यहाँ सेंट्रल अंजुमन काके है, उनके सहयोग से यहाँ DSP साहब है, प्रदीप साहब जो है माने BDO है, उनके सहयोग से और मुखिया जी यहाँ के हैं, ये तमाम लोगों के साथ मिल करके अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है, इसका एक एजुकेशन हब यहाँ किया जाएगा। वाशरूम वगैरह की सुविधा नहीं है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए और हर कम्युनिटी के लोगों के लिए यहाँ पढ़ने का इंतज़ाम किया जाएगा, ताकि पीसफुल इन्वायरमेंट में यहाँ पढ़ सके। यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया जाएगा, किताबों का इंतज़ाम किया जाएगा। तो एक बड़ा प्रोग्राम हम लोग करेंगे, इसमें अंजुमन इस्लामिया के तरफ से हम लोग जो भी मदद दी जा सकती है, लगभग 1 लाख रुपये के आसपास की किताबें, अब बाकी सुविधा हम लोग देंगे इसको। सेंट्रल अंजुमन के जो है अफजल साहब हैं, इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये भी मदद करें, ताकि एजुकेशन जो ऑलरेडी यहाँ पे लोग है, मतलब इससे आसना है, इससे BDO साहब यहीं के हैं, DSP साहब यहाँ के हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स यहाँ के हैं, चाहेंगे कि ये सिलसिला पढ़ाई लिखाई का जारी रहे। और इसके अलावा जो बच्चे अच्छा किए हैं एग्ज़ाम में, उनको यहाँ पे इनकरेज करने के लिए उनको सम्मानित भी किया जा रहा है, कुछ कैश अवार्ड दिया जा रहा है। इसके अलावा भी आप लोग 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक शिक्षा स्वास्थ्य और सद्भावना को लेकर अभियान के तहत और क्या कार्यक्रम था अंजुमन हॉस्पिटल में ICU के लिए? हाँ, अंजुमन इस्लामिया में हम लोगों ने एक ICU खोला है वहाँ पे, और दूसरा चीज़ है कि 10 जगह पे इस तरह का जो शिक्षा मोहल्ला शिक्षा केंद्र जो है, जिसकी बात कर रहे हैं, वो हम लोग किए हैं। आज़ाद कॉलेज में हम लोग जो है बड़ा प्रोग्राम किए हैं मौलाना आज़ाद के विचारों पे, और उनके विचार को जो है लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत